अगर ये हरकतें वो आपके सामने कर रही है तो इसका मतलब वो आपके प्यार के लिए तड़प रही है। अगर वो ऐसे साइन आपको दे रही है तो इसका मतलब वो आपको पसंद करती है और वो ये बात जानना चाहती है कि क्या आप भी उसे पसंद करते हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, बहुत कम ऐसे केसों में देखा जाता है कि लड़की अगर आपको पसंद कर रही हो तो सामने से आपको आकर के बता देती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो या फिर आपके अंदर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मगर ये बहुत कम केसों में ऐसा होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, पॉपुलर हो, उनके साथ ऐसा कॉमन है। मगर आप तो भैया कॉमन मैन हो तो आपके साथ तो कॉमनली बात चलनी चाहिए ना। तो फ्रेंड देखो, आपकी सिचुएशन में बस इतनी सी बात है कि वो आपको बस साइन देगी, आपके सामने वैसी हरकतें करेगी। अगर आप इस हरकतें को समझ जाते हो तो क्लियर हो जाओगे कि वो आपके प्यार के लिए तड़प रही है, वो आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती है, वो आपसे क्लोजनेस बढ़ाना चाहती है, मगर आप समझने ही नहीं चाहते भाई। वेल, आपके अंदर के जितना भी कंफ्यूजन था मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जितने भी आपने सवाल पूछे थे मेरे से इंस्टाग्राम से वो भी मैंने कवर किया, और फेसबुक में भी जो मैसेंजर पे आपके सवाल थे वो भी मैंने कवर किया। तो दोनों का सवाल का आंसर फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया तो आप ये 100% श्योर हो सकते हैं कि वो आपके प्यार की प्यासी है। देखा जाए तो वो आपको पसंद करती है, आपको प्यार करती है, आपको लाइक करती है, A to Z जितने भी वर्ड है ना सबके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो कहीं से स्किप मत करना, रिक्वेस्ट है यार। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे आती रहती है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड कि उसकी हरकतों को नोटिस करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि वो आपको पसंद करती है या फिर नहीं करती है। देखिए फ्रेंड, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आपके बिहेवियर में भी बहुत सारा चेंजिंग आता है ना। जैसे कि आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, पहले से ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देते हो, पहले से ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखते हो, बेटर रखते हो, शेव वेव करके रखते हो, बाल सेट रखते हो, ड्रेस पहनते हो, अच्छे ये सब चीज़ करते हो ना, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है आपका, पहले से ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करने लग जाते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको फ्रेंड उस पर अच्छा इंप्रेशन बनाना होता है। और यही चीज़ अगर सामने वाली में आपको देखने को मिल रहा है कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं, जैसे कि अब वो आपको देखती है तो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है, शर्माती है, स्माइल करती है, छोटा मोटा हाव भाव भी देती है, कई बार आपसे बात करते समय फ्रेंड वो इंटरेस्ट दिखाती है। आप अगर एक दूसरे के दोस्त हो तो आपसे बात करते समय लॉन्ग टाइम तक वो बात कर लेती है, A to Z फ्रैंक होकर आपके साथ बात करना चाहती है। आप कई बार ये चीज़ नोटिस दिखाओगे, मतलब नोटिस करोगे कि वो आपसे जब भी बात करेगी तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते बात करेगी, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगी, बहुत रिस्पेक्ट दे करके बात करेगी और एकदम फ्रैंकली आपके साथ वो बात करना चाहेगी। और आपको खुद ये चीज़ नोटिस करने लग जाओगे कि पहले तो इसका बिहेवियर कुछ और था, अब इसका बिहेवियर कुछ और है। पहले तो ये लड़की मुझे देखती नहीं थी, मगर अब देख करके मुझे शर्माती है। अब ये लड़की मुझे देखती है तो इसकी आंखें अटक जाती है, स्माइल करती है, ब्लश करती है, थोड़ी थोड़ी तेज़ से कभी चिल्लाने लग जाती है जब मैं इसकी तरफ से गुजरता हूँ, या कभी कभी आहिस्ते से बात करने लग जाती है। मतलब हलचल में उसके बदलाव आ जाना तो इसका मतलब है कि वो आपको इंटरेस्टेड है। देखिए, जब एक लड़की किसी लड़के को दोस्त से बढ़कर मानने लग जाती है ना कि नहीं इसके साथ दोस्ती नहीं करना है, नहीं इसके साथ तो क्लोजनेस बढ़ाना है, तो उस समय उससे नजरें नहीं मिला पाती है, क्योंकि उस समय उसका इमोशन चेंज हो जाता है, इसलिए वो उस समय शर्माने की कोशिश करती है। और जब लड़की को ऐसा लगता है कि नहीं इसको दोस्त नहीं बनाना है, सीधा इसको बॉयफ्रेंड बनाना है या फिर अपना पार्टनर बनाना है, तो वो करती क्या है, उससे बार बार नोटिस करती है, बार बार देखने लग जाती है। इसकी वजह से वो आपको बार बार फ्रेंड देखने लग जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद जब उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वो केवल इसलिए आता है ताकि आप नोटिस कर सको कि यार अब तो ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है, यार अब तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, अब तो पहले से ज़्यादा इसकी अदाएँ दिख रही है, अब तो पहले से ज़्यादा, मतलब एक लेवल अप दिखने के लिए लड़कियां ऐसा करती है, ठीक है ना मेरे भाई। इसलिए मेरे को लगा कि ये डाउट आपको इसे क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि पहला डाउट आपको ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो मुझे लगा एक्सप्लेन करके समझाना चाहिए। अगर कुछ आगे पीछे बोल दिया भाई ने तो एडजस्ट कर लेना। वेल, इसके अलावा दूसरा पॉइंट फ्रेंड उन लोगों के लिए है जो कि लड़की को जानते हैं, बातचीत होती है, मगर क्लोजनेस नहीं है, उतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, तो उस समय फ्रेंड आपको बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या वो लड़की आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, क्या उसे सब कुछ जानने में इंटरेस्ट रहता है। फ्रेंड उसे सब कुछ जानना होता है कि आपके गोल क्या है, आपके मिशन क्या है, अच्छा आप किस चीज़ की स्टडी करते हो, अच्छा आप रहते कहाँ, पर्सनली आपके पास कितना टाइम होता है, पर्सनली आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप किसके साथ ज़्यादातर बैठना पसंद करते हो, और एक सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या आपकी कोई क्रश है। अगर ऐसे कुछ सवाल वो पूछ रही है तो इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है, उसे जानना है कि क्या आप भी किसी और में इंटरेस्टेड हो या फिर आपका किसी और के साथ कुछ हो रखा है। अगर हाँ तो वो चुपचाप साइड हो लेगी, वरना आप में वो इंटरेस्ट दिखाएगी। फ्रेंड तो आपको इस सवाल के बारे में जानना है, ठीक है ना, कि क्या वो ये सब सवाल पूछती है मुझसे, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या करने वाले हो, फ्यूचर का गोल क्या है आपका, अच्छा क्या बनना चाहते हो, E to Z आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, लाइक कुछ ऐसा। और अगर आपने नहीं बताया तो आपके
फ्रेंडों से जानना, आपके पीठ पीछे से जानना कि अरे इसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आपके पीठ पीछे अगर ऐसा कुछ करने लग जाए तो समझ जाओ। और सबसे बढ़ करके आजकल तो देखो भाई सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे जाहिर सी बात है, तो आपकी भी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर उसके देखना लाइक मिलेंगे कमेंट मिलेंगे, आपको नोटिस करना, आप पे ध्यान रखना कितनों से आप बात करते कितने से नहीं करते। अगर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है आपको तो नो डाउट भाई मेरे कि उसका इंटरेस्ट है आपके अंदर, ठीक है ना। ये सिचुएशन फ्रेंड तब क्रिएट होती है जब लड़की को अपने अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं मैं इस लड़के को खो ना दूँ, कहीं इस लड़के का अटेंशन मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये लड़का मेरी इंपॉर्टेंस किसी और को देने लग जाए, इसलिए वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है, उसे जानना होता है कि आप कहीं भटक ना जाओ, ठीक है ना, इसलिए वो लड़की ऐसा करती है। तो देखो भाई दूसरा डाउट भी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है। एंड इसके अलावा तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना क्या समझा रहा भाई आपका, अगर वो आप में इंटरेस्टेड है, ये तीसरा पॉइंट ध्यान समझना, अगर वो आप में इंटरेस्टेड है तो आपके सामने बार बार आना, बार बार आपसे बात करने की कोशिश करना, आपके इर्द गिर्द मंडराना एंड आपसे अटेंशन पाना, ये कंटिन्यू करती रहेगी। देखिए ये सवाल मुझसे बहुत अच्छे तरीके से किसी भाई ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इस पे मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, जब एक लड़की का किसी लड़के की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब लड़की अटैच होने लग जाती है उससे, अट्रैक्ट होने लग जाती है, तो उसे देखना, उसे बार बार समझना सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देख लो, जब आपकी क्रश आपके सामने आती है तो आप कैसे शर्माने लग जाते हो, कैसे आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और जब आप उसको नहीं देखते हो तो कैसे मन उदास सा रहता है कि आज पूरे दिन उसकी दर्शन नहीं हुए, पूरे दिन उससे बात नहीं हुई, पूरे दिन उसको मैंने देखा नहीं, वो लटक से जाता है ना। तो लड़कियां भी ऐसा करती है, उसे पता है कि आप इसी क्लास में हो, आप इसी मोहल्ले में हो, आप यहीं पर हो वहीं पर हो, तो उसको दिखने का बहाना चाहिए होता है, बार बार छत पर आना, किसी ने किसी बहाने से कपड़े सुखाना, कुछ भी हो सकता है, मैं तो सिर्फ एक देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, बार बार आपके पास आना, आपसे हेल्प लेना, आपसे बात करने के बहाने ढूंढना, इधर उधर की बातें करना, छत पर आना, आपको घूरते रहना, फिर देख करके स्माइल करना, फिर चले जाना, फिर आना, जिसका मतलब इंटरेस्टेड है आप में, क्लास में आना, आपसे मदद मांगना कि क्या तूने मेरे को ये हेल्प करवा सकता है, क्या तू मुझे इस सब्जेक्ट में मदद कर सकता है, ऑफिस में कि क्या तू मुझे बता सकते हो कैंटीन कहाँ है, ये बता सकते हो वो बता सकते हो, कुछ इधर उधर की बातें, कॉलिंग पे चैटिंग पे, और बताओ कैसे हो, आज तो पूरे दिन तुम बिजी थे दिखे नहीं, ए टू जेड जितनी भी इधर से उधर बातें कर करके आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके इर्द गिर्द मंडराना, आपके साथ रहना, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब हमें यह अच्छा लगता है तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा खास हो, या फिर कहा जाए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जब इंपॉर्टेंट हो तभी ना वो इतना टाइम आपको दे रही है, वरना फ्रेंड आज के टाइम में कौन किसको टाइम देता है, कभी आप सोचते हो ये बात, नहीं सोचते। वेल तो ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, ठीक है ना भाई। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, समझ लेना भाई, क्योंकि काम की चीज़ है आपके लिए। अनएक्सेप्टेड चीज़ों में उसकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाना, अभी देखो मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और उसके आपसे पहले अगर वो उसने आपको देख लिया, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप टी शॉप जा रहे हो, ठीक है, चाय पीने जा रहे हो, आप चाय पीने के लिए गए किसी कैंटीन में, कहीं भी जगह गए, और उस पे आप जैसे ही गए उससे पहले आपने उसको देख लिया, और उसको देखने के बाद वो लड़की सामने से देख करके आपको स्माइल पास कर रही है, सामने से देख करके इंटरेस्ट दिखा रही है, आपको क्लोज आने की कोशिश कर रही है, किसी ने किसी बहाने से आपके पास आना चाहती है, वो देखती है आपको क्लोज से आकर के, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड है। अब ये चीज़ें मैंने ऐसे नहीं कही है, अनएक्सेप्टेड मतलब कहा, जैसे कि आप रास्ते में दिख गई एक दूसरे को, और देखती लड़की ने सामने से आपको ब्लश करना दिखने लग गई, सामने से शर्मा के दिखने लग गई आपको, सामने से नज़रें झुका ली, देख रही है, झुका ली, पलट के देख रही है, घूम के देख रही है, अगर ये सब चीज़ें हो रहा है अनएक्सेप्टेड, तो समझ जाओ भाई कि इसका मतलब भी यही होता है कि उसका इंटरेस्ट आपके तरफ बढ़ने लग गया है। एंड इसके अलावा आप ये भी चीज़ देखोगे कि कई बार आपके सामने फ्रेंड नया नया लुक में आना, नया पर्सनैलिटी में आना, अपना देखा जाए तो बेस्ट लुक आपको दिखाने लग जाएगी। जब लड़की को प्यार हो जाता है ना तो अपने आपको और ज़्यादा निखारने लग जाती है, वो और ज़्यादा सजना सवरना उन्हें पसंद आने लग जाता है। और अगर वो सब चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो कि अब मेरे सामने इतना स्मार्ट क्यों बन रही है, मेरे सामने क्यों इतना कूल दिख रही है, मेरे सामने इतनी हॉट क्यों दिख रही है, मेरे सामने क्यों इतनी ब्यूटीफुल दिख रही है, ये बार बार अपने नेकलेस, अपनी नई साड़ी, नया ड्रेस, जो भी कुछ हो नया चीज़ दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो साफ साफ यही है भाई कि उसका इंटरेस्ट बनते जा रहा है आपके तरफ, ठीक है ना।
तो इस बेसिक पर भी आप जान सकते हो। एंड इसके अलावा फ्रेंड और 28 पॉइंट है, ठीक है ना, मगर मुझे लगता है इस 15 पॉइंट से आपका काम चल गया होगा। जी हाँ, आपने नोटिस किया कि मैंने आपको 15 पॉइंट समझा चुका हूँ, तो आई होप आपको इस 15 पॉइंट से काम चल गया होगा। अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, वीडियो का पार्ट टू कमेंट करिए भाई, और आपको 28 पॉइंट समझाएंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। अगर आपको लगी हो कि हाँ इस वीडियो से मदद हुई है तो यार लाइक जरूर करना, ठीक है ना। बस इतना कहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह का टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पर जल्दी सुनता हूँ वो अलग बात है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। बस यार इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियो की जरूरत हो। धन्यवाद।